जय श्री कृष्ण। स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 5 मैथमेटिक्स, उसमें हमने 5.2 तक क्लियर किया था। अभी 5.3 के लिए आगे के फॉर्मूला देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, हमने एन टर्म फाइंड किया था। एन टर्म यानी ये फॉर्मूला हमने 5.2 में यूज़ किया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका वापस यहाँ पे यूज़ करना ही है, लेकिन अभी हमें फाइंड करना है सम। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, उसका सिंबल है एस एन। सम के लिए सिंबल है एस एन। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दैट्स फॉर्मूला। हमने ए एन का फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वही फॉर्मूला देखो यहाँ पे वापस रिपीट हो रहा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आगे सिर्फ आपको टू लगाना है और ब्रैकेट के आगे एन अपॉन टू लिखना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, सब में मोस्ट ऑफ इसका यूज़ होगा, लेकिन कुछ सम ऐसे होंगे कि जिसमें आपको लास्ट टर्म दिया होगा। आगे मैंने लिखा था सिंबल आपको कि एल यानी ये ए एन हो गया, एल की जगह पे क्या होना है ए एन। एल यानी ए एन यानी ये आपका हो जाएगा लास्ट टर्म। तो क्वेश्चन के अंदर आपको लास्ट टर्म अगर दिया है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। दोनों में से जो आपको इजी लगे, जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ठीक लगे, उसका आप यूज़ कर सकते हो। आगे रिलेशन बिटवीन एस एन और ए एन, रिलेशन बिटवीन दोनों के बीच का रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये माइनस वन एन के साथ में, सपोज एन की जगह पे टेन दिया है तो ए टेन मुझे फाइंड करना है। तो ए टेन फाइंड करने के लिए एस टेन होगा, यहाँ पे भी एन की जगह पे टेन और यहाँ पे टेन माइनस वन यानी नाइन। तो एस टेन माइनस एस नाइन, टेन टर्म का सम, उसमें से नाइन टर्म का सम माइनस करोगे तो आपको ए टेन मिल जाएगा। वो आपका आपको आगे एग्जाम्पल में क्या सम में आपको दिखेगा। आगे नॉट, ये जो नॉट है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि एक मार्क में कि दो मार्क में इसका यूज होगा। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट अप टू एन। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 अप टू एन, इन सभी का मुझे सम करना है। क्या करना है सम, तो उसका फॉर्मूला है एन एन प्लस वन अपॉन टू। सपोज 1 to 100 का मुझे सम करना है, एन की जगह पे यहाँ पे 100 लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 1 अपॉन 2। इसका सिंप्लीफाई कर दो आपको आंसर मिल जाएगा 100 प्लस 1 अपॉन 2। अगर 1 to 100 का आपको सम करना है तो उसी तरह सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, इवन यानी 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इनफाइनाइट, कहाँ तक है 2n तक। तो यहाँ पे इवन नंबर दिए, ये सारे के सारे इवन नंबर का मुझे सम करना है। तो ऊपर का जो फॉर्मूला था उसमें से सिर्फ 2 निकाल दो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा n, n प्लस 1। सिर्फ 2 निकाल दिया तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा n, n प्लस 1। एन को अगर अंदर मल्टीपल करते हो तो एन स्क्वायर प्लस एन, ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है इवन नंबर के लिए। उसी तरह आपको अगर ऑड नंबर दिया है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू इनफाइनाइट 2n - 1 तक। तो ऑड नंबर का अगर आपको सम करना है तो इसमें से सिर्फ आपको एन स्क्वायर लेना है। देखो आ गया एन स्क्वायर, यानी नेचुरल नंबर के लिए एन एन प्लस वन अपॉन टू, इवन नंबर के लिए टू निकाल दो तो एन एन प्लस वन, और ऑड नंबर के लिए एन निकाल दो तो सिर्फ एन स्क्वायर। इसी तरह तीनों को याद रखना है सम में, अदरवाइज एक मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत इजी है। इतना इंफॉर्मेशन का भी हमें यूज करना है और हमें देखना है एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1, उसमें नंबर 1, 2, 7, 12 ये आपको एपी दिया है, 2, 7, 12 अप टू इनफाइनाइट 2। यहां पे आपको 10 टर्म्स, लेकिन क्या, तो 10 टर्म्स का सिर्फ सम करना है, 10 टर्म्स का क्या करना है सम। तो सम करने के लिए आपको एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन का फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पे आपके हमने आगे हमने 5.2 में पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 7 - 2 यानी कि 5। ए इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस 7 - 2 इज इक्वल टू 5, एंड कितने टर्म्स हैं 10, तो n इज इक्वल टू 10। नाउ द फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पुट द वैल्यू ऑफ ऑल, n इज इक्वल टू 10 अपॉन टू, ए की जगह पे 2, n माइनस वन की जगह पे 10 - 1, डी की जगह पे 5। 10 अपॉन 2 यानी 5, 2 टू 4,
यहाँ पे माइनस करोगे तो 9 into 5 = 45, 9 5 = 45, 45 + 4 यानी 49, 49 और 5 का मल्टीपल दैट मीन्स 245, दैट्स समर।